पर हथियार भी बेटा ऐसे ऐसे कहा कहा तरह का हथियार आवे। हाँ हमने जब भी मंदिर की कील ना हटन दी या फिर ईंट ना हटन दी मंदिर पे सो मन जब तक इतना सोई हो जब भी तो बढ़ो तो अब है बेटा या बाद में बढ़ो अब तो ये तो जब भी हमने की इतनी हिफाजत करी आज हम यहाँ पे उन्हें मरवाता गड़ बरसाता वे चलवाता तो पेपर दिखाए थे आपने वो जो आए थे तोड़ने उन्हें ना देखो कुछ भी और जो टाइम दिया उन्होंने आया उन्हें कही मतलब जो 7 दिन को टाइम है भाई हम तो रहेगा 7 दिन मुख 7 दिन अपने सामान वामान भाई जो डोडो कर लेंगे और अपने जाके नहीं कोई बात उन्होंने तो 1 घंटा बाद में तो हिंजे भी चलवा दी। पत्थरबाजी की वजह से कह रहे हैं तोड़ा मकान पत्थरबाजी कर रहे थे बच्चे हिंद नहीं झूठी बात सर ही सुनू बताओ मंदिर देख लियो जाके ही सु पत्थर हूँ चले जाऊंगा मंदिर पहलू आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये वही मंदिर है नल्लड़ जहां पर यात्रा समाप्त होनी थी जिस मंदिर के लेकर के पूरी यात्रा ये निकाली गई थी 31 तारीख को 31 जुलाई की जब जिस दिन पूरा यहां पर हंगामा हुआ है। मैं यहां पर पहुंचा था इसलिए कि खबर ये आई थी कि इसके बिल्कुल थोड़ी दूरी पर ही 500 मीटर की दूरी पर ही जो मुसलमानों के मकान हैं उनको ये कहकर गिरा दिया गया है कि ये पहाड़ी के इलाके में है। कैमरा पर्सन से कहूँगा ये पहाड़ी से जूम करके दिखाएं जहाँ पर डेमोलिशन किया गया है। ये कुछ मकान हैं जो जिनको एक तरह से कहा जा सकता है कि कच्चे हैं हालांकि जो बनाने के लिए जो है ईंट कच्ची ईंटें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और भट्टे की जो पक्की ईंटें होती हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। अभी इस परिवार से हमारी बात हुई है परिवार में कोई भी मर्द मौजूद नहीं है सब लोग यहाँ से फरार हैं नल्लड़ गाँव के तमाम ही लड़के यहाँ से गायब हैं कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है लेकिन खौफ का माहौल है सिर्फ महिलाएं ही यहाँ पर बची हुई हैं। किसी भी घर में आप चले जाइए बात कीजिए तो सिर्फ महिलाएं ही सामने आती हैं और पढ़ा लिखे लोग नहीं हैं इसलिए बहुत ही कम संख्या में हैं जो कोई बात करने का साहस जो है जुटा पाता है। एक बुज़ुर्ग महिला हैं जिनसे हमारी इस पूरे मामले को लेकर के बात हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेमोलिश कर दिया गया है। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि 1 घंटे पहले यहाँ पर नोटिस चिपकाया जाता है और उसके बाद 1 घंटे बाद अचानक 4 JCB के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरा अमला यहां पर पहुंचता है और इस मकान को डेमोलिश कर देता है। आप ये देख सकते हैं जिसमें गांव में अनाज रखा जाता है अनाज की 2 टंकियां हैं जिनको तोड़ दिया गया बिल्डोज़र के ज़रिए और इनका अनाज पूरा बिखर गया। किसी तरह से उस अनाज को इन्होंने कट्टों में इकट्ठा किया आप ये कट्टे देख सकते हैं सामने पड़े हैं लेकिन मिट्टी की वजह से ये अनाज अब खाने लायक नहीं रहा। यानी इनका ये कहना है कि अगर तोड़ना ही था तो कुछ हमें समय दिया गया होता। इसके साथ ये किनका कहना है कि जब नोटिस लेकर के आए थे तब हमसे ये कहा गया था कि 7 दिन का समय आपको दिया जाएगा 7 दिन के अंदर आप अपना सामान खाली कर लीजिए। तो इन्होंने सोचा कि हम 7 दिन में बहुत पर्याप्त समय है लेकिन जैसे ही 1 घंटे के बाद इनको ये सब आते हुए दिखाई दिया बिल्डोज़र पूरा अमला यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया तो उसके बाद इनके हाथ पैर फूल गए और कुछ सामान ये निकाल नहीं पाए लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो बिल्डोज़र चला दिया गया। इसके साथ ही ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ अकेले मकान नहीं हैं जो पहाड़ के नशेब में हैं पहाड़ की जड़ों में हैं क्योंकि जितने भी मकान इस इलाके में गरीबों के गिराए गए हैं किसानों के गिराए गए हैं किसी से भी आप बात कर लीजिए तो सबका यही कहना होता है कि हम यहाँ पर 40 साल 20 साल 50 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं हमने बाकायदा ये ज़मीन रजिस्ट्री के ज़रिए ख़रीदी है पूरी पेमेंट दी है और इसकी रजिस्ट्री कराई गई है और बरसों से ये लोग रहते चले आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ना तो प्रशासन ने इनको समय देकर इनसे पेपर मांगे ना कागज़ मांगे कोई चीज़ नहीं मांगी अचानक बिल्डोज़र पहुंचा और चलाना शुरू कर दिया। कई जगह इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि बैक डेट में जो है वो नोटिस दिया गया है 2 महीने पुरानी डेट डाल करके ताकि अगर कानूनी प्रक्रिया कोई करता है हालांकि गरीब लोग हैं इनकी शायद इतनी हैसियत नहीं है कि ये कहीं अपनी कानूनी चाराजोई कर सकें कहीं कोर्ट में अपना जो है इंसाफ मांग सकें लेकिन अगर कुछ तंजीमें या कुछ जमातें इस मामले को लेकर आगे जाती हैं और इस मामले को उठाती हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं अगर किसी के घर को गिराया जाता है अगर किसी के घर को डेमोलिश किया जाता है तो उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस हैं कि पूरा एक पर्याप्त समय देना है आपको कोर्ट से परमिशन लेनी है उसको पूरा मौका देना है जिसको आप नोटिस दे रहे हैं ये साबित करने के लिए कि ये ज़मीन अवैध नहीं बल्कि वैध है उसके पेपर हैं उसके पास वो अलग बात है कि नक्शा पास कराया हुआ है या नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर ये मकान गिराए गए हैं कच्चे मकान हैं कच्चे मकान का कोई भी म्यूनिसपल्टी या कोई भी सरकारी अधिकारी सरकारी ऑफिस जो है नक्शा पास नहीं करता है तो जाहिर सी बात है ये कई ऐसे सवाल हैं कि अगर
तंजीमें कोर्ट पहुंचती हैं, अगर कहीं से इस मामले को लेकर सवाल खड़ा होता है तो फिर कोर्ट में ये दिखाया जा सके कि हमने 2 महीने का वक्त दिया था, लेकिन ये लोग अपने पेपर लेकर के हमारे पास नहीं पहुंचे और जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई कर दी। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अब ये तंजीमों का, कई तंजीमों से हमारी बात हुई है, उनमें से एक आदखी का ये कहना है कि इस मामले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे। हालांकि आज हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए, हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए स्टे लगा दिया है इस पूरे डेमोलिशन की कार्रवाई पर, क्योंकि हंगामा हो रहा था कि एक तरफा मुसलमानों के मकान गिराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागा है हरियाणा हाई कोर्ट, और जो इस पर डेमोलिशन पर जो रोक लगाई गई है उससे कहीं ना कहीं मजलूम मुसलमानों को एक आस जागी है कि अब शायद आगे कार्रवाई ना हो। लेकिन 3 दिन में जिस तरह से 250 से 300 मकानों को गिरा दिया गया है, बड़े बड़े होटलों को गिरा दिया गया है, दुकानों को गिरा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो जिनका हुआ है वो हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या जिस तरह से खुद संज्ञान लिया गया है हाईकोर्ट के ज़रिए, क्या उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या उनकी जवाबदेही तय की जाएगी जिन्होंने कानून को ताक में रखते हुए ये कह करके ये अवैध कॉलोनी है, ये अवैध मकान है, उस पर बिल्डोजर चला दिया, उनको कोई सजा मिल पाएगी, उनकी जवाबदेही तय हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये सिलसिला पिछले कई सालों से मुसलमानों के साथ चल रहा है। मोनू मानेसर जिसके ऊपर हत्या के केस हैं, उसके अलावा इस पूरे दंगे को भड़काने वाले वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर, हथियार चलाने वाले सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो मौजूद हैं, उसमें बिल्डोजर चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, किसी के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई है, जो पूरी तरह से यह दर्शाता है कि किस तरह से एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर की जा रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, जिसमें 95% से ज़्यादा मुसलमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अभी आप देख सकते हैं इस मंदिर की अगर हम बात करते हैं, जिस मंदिर को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ है, जहां पर ये पूरा दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इस पूरे मामले में, चाहे वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मुसलमान हों, अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, और गिरफ़्तार किया भी गया है। लेकिन उसके साथ ही जो बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बेगुनाहों के घर पर जो बिल्डोजर चलाया जा रहा है, ये कहकर के ये अवैध है, सब जानते हैं किस लिए बिल्डोजर चल रहा है। जिस तरह से आपने कल देखा हरियाणा में महापंचायत में योगी का जिक्र, जिस तरह से वहां पर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को बायकाट करने की बात, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। गुरुग्राम में रोजाना मस्जिद पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी गई, दुकानों में आग लगाई गई, उस मामले में किसी के घर पर भी बिल्डोजर तो छोड़ दीजिए, किसी के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई, सिवाय इमाम साहब के मामले की अगर हम बात करते हैं, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उसके साथ ही उनको छुड़वाने के लिए कल एक महापंचायत की गई और वार्निंग दी गई है प्रशासन को, तो शायद खट्टर साहब जाग जाएं, शायद खट्टर साहब उन लोगों को भी छोड़ दें। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें किस तरह की धाराएँ लगाई गई हैं। इस मंदिर का मैं बात कर रहा था, जिस तरह से इन मकानों को ये कहते हुए तोड़ दिया गया है कि ये जो है वो पहाड़ की ज़मीन है, पहाड़ के नशेब में बसे हुए हैं, तो इस मंदिर को भी आप देख लीजिए ये कहाँ पर है, उसके लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन से कहूँगा और जूम करके इस मंदिर को दिखाइए, कितना दूर है इसका पहाड़, वो आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मकानों को ये कहकर डेमोलिश किया जा रहा है, ज़्यादातर मकानों पर बिल्डोज़र ये कहकर के चलाया जा रहा है कि ये पहाड़ के नशेब में है, पहाड़ की ज़मीन पर है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। जो कह रहे हैं कि मंदिर पर पहले पत्थरबाजी शुरू करी मुसलमानों ने, क्या उससे पहले भी कुछ हंगामा कर रहे थे यहाँ पहुँचने के बाद मंदिर पर? हिंदू हंगामा करो नहीं, पहले फतरिया से पहले, जब लड़ाई से पहले ना उनने मंदिर पे तो नारा वारा वे सुबह से लगा रहा, हमने फिर जब नारा वारा लग रहा तो हमने अपना बच्चा सबन ने इंगे तिंगे, हमारे तो कुछ तो रहा बकरी ग्वाल यहाँ धंदुअर वाले, और कुछ रहा हमारा सब्जी मंडी में यहाँ में, कुछ रहा कोई टेलर है, कोई मास्टर है, कोई लत्ता सिलो, ऐसे लेकर जावा गाँव के बच्चे, तो 2-4 बालक रहा जो अपने धंडोर चरावा, हमारा उनको धैर्य से नारा बाजी ने खूब लगाया हीन, जब जैसे सीढ़ो सौंप तो हो गए कर करके जो वापसी हो यहाँ भैया झट दे सीढ़ी, इनकी खेड़ा में लड़ाई बाज गई, हिंसू जी कर गा कोई कह की लड़ाई खटकाना, हमारा तो बच्चा जवा टाइम पे
कोई हो ही ना लन तो ही झट जब खेड़ा में भैया धुआं धाड़ मचिएगी जब कुछ नौ का बाड़ा का वह तो नौ सू घरलू भगली जब तो मोटरसाइकिल आई आई उनको तो हूँ तो भाई लड़ाई बाजी महजत के पास में तो बाजिए लड़ाई हूँ सू जब बाड़ा खलटा वापसी फिर हाँ झटिए मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर दी जैसे कहीं को ओसर बंद हो भगती रही नानी तो और जो हमारा जंगल का बाड़ा का वो जंगल में रहा हमने कुछ पतना फिर जाने तक दो सिख या नंगड़ा कहाँ सरपंच दोनों तीनों ही नहीं सारा और बाहर का गांव खूब हाथ जोड़ उनका खूब गाड़ी बकिया उन अच्छी खड़ो कोई बच्चा उनके सामने ना उन गाड़ी को पहले वापसी में आया है ना क्या क्या बोल रहे थे छोरी बेटी रोटी नू काटंगा नू मरगा जाओ तमने एक कर दे कर दे छुरान ने दिखाओ उन पर हथियार भी बेटा ऐसे ऐसे जन कहा कहा तरह का हथियार हाँ मलक तो पीछे आयो बेचारे तो कहे की ना झूठी ना कहनी चाहिए बेटा तक जान देने मालक में फिर सुबह मलक सु कहे सरपंच ने दो सरदार ने महम ने कही बड़े बूढ़े ने इकट्ठा हुआ कहनी अब तू मलक साहब इन्हें लिखाड़ है इनसू तो इन्हें लिखा हमारे गांव में सजाब निकले जासु इतने बिचारो मलक साहब आयो तो आके भी ना पहुंचो इतने तो भाई झट जैसे नौ क्यों खत्म हुई ना भीड़ झट उड़ेल पड़ गई भीड़ अब भैया हम पे कस की पिछाण बताओ नौ क्यों तो सारी दुनिया फिर उड़ेल भी पड़गी सटेटी ये भी उड़ेल पड़ा तो फिर वे भी उड़ेल पड़ा मियाँ हिंदू आओ तो सब बखेड़ उड़ेल पड़ो फिर भाई हमने कुछ पता ना भाई का आप कितनी उम्र है आपके होगी 65 साल 70 साल आप यहाँ पर हमने 30-35 साल होगी ही और हमारा बच्चा खुद खरीदी थी जमीन है? जमीन खरीदी थी ये जमीन सारी खरीददारी की है खरीदारी। हाँ, ये खरीददारी रजिस्ट्री है सारी हाँ रजिस्ट्री हाँ रजिस्ट्रिया पेपर है पेपर हाँ तो पेपर दिखाए थे आपने वो जो आए थे तोड़ने उनने ना देखो कुछ भी और जो टाइम दियो ना ना आया उनने कही कि मतलब जो 7 दिन को टाइम है भैया हम तो रहेगा 7 दिन मुख 7 दिन अपने सामान वामान भाई जो डोडो कर लेंगे और अपने जाके नहीं कोई बात उन्होंने तो 1 घंटा बाद में तो हिंद जब भी चलवा दी तो आप 40 साल से हो ये मंदिर कब से है यहाँ पर ये मंदिर तो हमने हम ही का बासंदा ना हाँ सर हम हाँ बाहर के सारी नल्हड़ बाहर किए हैं इन 60-70 साल हो गई रहते तो जब इतनी सी गुमटी पाई बताई ना नहीं जब कभी जो बाबरी महजत टूटी ही ना जब यह मंदिर की हमारी इस ढाणी ने इस गाँव वाले सारा नल्हड़ ने सटेट जड़ गया आप पता होगी हम इतनी उम्र तो होगी आपकी भी हमने जब पता हो तो जब भी यहाँ पे हमारा बड़ा बूढ़ा महजत पर सारा नू लाठी ने लिया खड़े होगा पहले हमने मारो पीछे बाद मंदिर जब टूटेगा हमने जब भी यह मंदिर की कील ना हटन दी या फिर ईंट ना हटन दी मंदिर पे सो मन जब तो इतना सोई हो जब भी तो बढ़ो तो अब है बेटा या बाद में बढ़ो अब तो ये तो जब भी हमने की इतनी हिफाजत करी आज हम यहाँ पे उन्हें मरवाता गड़बड़ सा तब वे चलवाता सब झूठी बात है यार यात्रा कब से शुरू हुई है ये यात्रा 3 साल होगी जब पहली यात्रा हुई है ना जब यह दरगाह है तुअड़गा जब हमारा बच्चा कोई दरगाह टूट के जब भी हमारा बच्चा ना निकला बाहर लिया में आ फिर सरदार जी ने वहाँ जो त्योहार एस डी एम कौन है ये सबन ने आके न्यू आपन ने दरगाह बनवाई 3री साल से और भैया अब के तो इतना बड़ो कर्म हो ही गयो कारण हो ही गयो यहाँ पे आप बनवा गए हमारा बच्चा जब टूट रही जब तो थोड़े ही आदमी है घने आदमी भी ना तो जब लड़ाई ना कर सके जब टूटी फिर भी बड़े बड़े आदमी बुला बुला के एस डी डीएसपी सरदार जो इनका जिम्मेवार है गलती सलती माफी वटी और फिर आप ही वह दरगाह है बनवा के नहीं गया और अब तो सूरी सारी रहते भाई दरगाह टूट के दरगाह टूट सुबह सोरी गांव भाई टूटने टूट रहे हम पे 4 आदमी इन पे कह गांव में कोई ऊ लग रो कर फू भाई हमारा बस की नाम पे टोली टोली कर गवा के पत्थरबाजी की वजह से कह रहे हैं तोड़ा मकान पत्थरबाजी कर रहे थे बच्चे हिंद नहीं झूठी बात सर ही सुनू बताओ मंदिर देख लियो जाके ही सुफर हूँ चले जाएंगे मंदिर पहलू सड़क पे पहुंच जाएंगा नहीं नहीं झूठी बात है वीडियो भी दी चल रही है सभी तो पत्थरबाजी जब शुरू हुई है जब बाकी खेड़ा की लड़ाई उड़े लुआइएगी हमारे कोई नुई ना है कोई पत्थरबाजी को कोई काम ही ना इस गाँव का बच्चा नहीं 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 इस गाँव का बच्चा जब रहता ना अकी तो पत्थरबाजी तो जब ही तो हुई जब परे से दुनिया आइएगी जब ही पत्थरबाजी हुईगी अब हमें तो भैया सारी दुनिया पत्थरबाजी हुई गोली भी चलिया मानस भी मना सभी काम हो गाँव में क्या बच्चे सब गायब हैं लड़के सब गायब सब गायब सब गायब भगा पड़ा कोई किथी है कोई रिश्तेदारी में कोई किथी है कोई सारा बच्चा ऐसे पहाड़ में छुपे हुए हैं पहाड़न में तो कोस पर डटो जा रहा है गर्मी में चौमास होए कीड़ा मकोड़ा बस इधर उधर अपनी कोई किथी है कोई किथी है कोई गाड़ी पे निकल गो कोई गाड़ी घोड़ान पे निकल गया बस ऐसे गिरफ्तार भी हुए पुलिस ने उठाया कुछ गिरफ्तार भी हो रहा हाँ नल्लड़ को तो कोई हुई ना भैया अभी तक नल्लड़ गाँव से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज मैक्स के लिए शकील अहमद।